हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण और आपातकाल। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका रखा ही हुआ है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसे पढ़कर जाना अच्छे तरीके से। मैं नोट्स PDF में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना और बाकी मैं समझा देती हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा जब आप लिखोगे तो। और आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कभी भी आंसर रट कर मत जाना, आप भूल जाओगे, उसे समझ लेना ताकि आपको आसानी से आप वहाँ लिख सको। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि क्वेश्चन आएगा ही, तो आप इसे मिस मत करो, आप इसे पढ़कर ही जाना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और आपातकाल। जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीतिक, दलित और समाज सेवी थे जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न चरणों में लोकतांत्रिक आंदोलनों का संचालन किया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। देखिए, तो ये बात आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। इनके गांव का नाम पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को JP नगर, बिहार, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन में सत्याग्रह, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की। उनका योगदान भारतीय राजनीति में उदाहरणीय रहा है और उन्हें लोकनायक और जयप्रकाश के नामों से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ कई बार मिलकर काम किया। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अप्रैल 1979 को हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण कैंसर था। उनका देहांत पटना, बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण नेता खोने का दुख दिया। लेकिन उनका योगदान और उनकी आंदोलनी स्वरूप नेतृत्व में हमेशा याद किया जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण का यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट उनका जन्म सीता बदरिया में हुआ था। आप इस गांव का नेम जरूर याद रखें, क्योंकि मैं भी जब सेमेस्टर 5 में थी तो ये क्वेश्चन आया था कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो आंसर होगा सीता बदरिया, 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जीवन समर्पित सेवा और न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्यों से भरा हुआ था। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है, पहला है सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम। जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना समर्थन दिखाया और जेल यात्राएं भी की। सेकेंड है विदेशी विमुक्ति आंदोलन। उन्होंने भारत में बाहर के विदेशी विमुक्ति के लिए आंदोलन का संचालन किया। इस आंदोलन के तहत उन्होंने भारतीय नागरिकों को बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें विदेशी शासन से मुक्ति प्रदान की। थर्ड है योजना आयोग की स्थापना। जयप्रकाश नारायण ने नेहरूवीय प्रणाली की समीक्षा करते हुए योजना आयोग की स्थापना के लिए समर्थन दिया। यह आयोग विकास के क्षेत्र में योजनाएं बनाने और लागू करने का कार्य करता है और जनता के हित में योजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। फोर्थ है सर्वोदय आंदोलन। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का संचालन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, न्याय और सामाजिक समरसता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना था। फिफ्थ, भूख हड़ताल। उन्होंने कई बार अपने जीवन में भूख हड़ताल का समर्थन किया और इससे सरकार को गरीबों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। सिक्स, जनता पार्टी की स्थापना। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की, जो कि अधिकतम लोगों की प्रतिस्पर्धी दलों को एकत्र करके उनकी प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रही थी। तो ये थे उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। इसके बाद हम देखेंगे JP आंदोलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन पक्का ही रहेगा इससे रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं कि आंदोलन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि JP आंदोलन के बारे में बताएं, तो आंदोलन के बारे में भी जानना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, JP आंदोलन या जनता पार्टी आंदोलन भारत में 1970 के दशक में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था, जिसे जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य सरकार की अनुमति और ऑथोरिटेरियनिज्म, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना था। आंदोलन का आरंभ 1974 में बिहार में हुआ था, जब नव निर्माण आंदोलन के प्रारंभ हुआ था। JP एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने इस आंदोलन को देश भर में फैलाने के लिए अपने नेतृत्व में लिया। इस आंदोलन का मुख्य कारण था सरकार में भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं का सामना करने का अभाव। JP आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।
आंदोलन ने सरकार को खुला चैलेंज दिया और जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा था आपातकाल के दौरान जब सरकार ने 1975 में देश पर अधिकारवादी व्यवस्था लागू की। इस आंदोलन ने लोकतंत्र और नागरिक हकों की रक्षा के लिए भी आवाज़ उठाई। जेपी ने देश भर में जनता को जागरूक करने को सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें सरकार के खिलाफ उत्तेजित किया। आपातकाल के खिलाफ होने वाले आंदोलन ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करता हुआ देश को एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। मतलब ये था कि जेपी आंदोलन मेनली किया था कि सरकार में जो घुसखोरी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रही है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, लोगों का पैसा जो सरकार यूटिलाइज कर रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई जिसे हम जेपी आंदोलन कहते हैं। वो सरकार के मतलब पूरा पावर अपने हाथ में ले लेना और किसी की भी ना सुनना, उसे कहते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म। तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन बनाया, मतलब लोगों की राय बनाई कि वो भी आवाज़ उठा सके। तो यही था मेनली जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, मतलब बहुत सारी घटनाएं थी जिन्होंने मिलकर इसे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया था हिस्ट्री में। चलिए उन घटनाओं को देखते हैं। तो पहला जो घटना था वो था नव निर्माण आंदोलन, जो कि 1974 में हुआ था। जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार में न हुए नव निर्माण आंदोलन से हुई थी, जिसमें जनता ने सरकार के खिलाफ उठाया आवाज़ और अपने मुद्दों के लिए संघर्ष किया। सेकेंड था आपातकाल, इमरजेंसी लगाया गया इंडिया में 1975 से लेकर 1977 तक। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस थी। सर 1975 में आपातकाल, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि आपातकाल के समय, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, वो कौन थी? तो इस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। सर 1975 में आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने जनता के विरुद्ध अधिकारों की सीमित कर दिया और विरोधकारी धाराओं को प्रतिबंध लगा दिया। जेपी ने इस अधिकार हनन के खिलाफ उठकर जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। थर्ड है जनता पार्टी की स्थापना। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की, कब किया? 1977 में। फिर था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था और सामाजिक न्याय और नैतिकता के लिए आंदोलन था। इसके बाद थोड़ा आपातकाल को भी देख लेते हैं कि जो इस टाइम आपातकाल इमरजेंसी लगा वो क्या था। आपातकाल जिसे 1975 से 1977 तक भारत में लागू किया गया, एक अव्यवस्थापन स्थायी आपत्ति की स्थिति थी जिसमें लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया निष्क्रिय हो गई थी। इस समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आपातकाल घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य विरोधी तत्कालिक सामग्री को दबा देना और विरोधी धाराएं कुचलना था। इससे जनता के अधिकारों का हनन हुआ और विशेषकर विरोधी धाराएं और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल में आप जानते हैं कि हमारे सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो ले लिए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इसमें क्या किया कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया, जिससे कि लोग जो भी बोल रहे हैं, हमारा राइट टू स्पीच और राइट टू जो भी जितना भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब छीन लिया जाता है। तो अगर आपातकाल लग गया तो मतलब आप अब कुछ बोल नहीं सकते हो, आपके पास ये अधिकार ही नहीं है, सारे अधिकार आपके आपसे छीन लिया गया है। तो इसलिए इसे लगा दिया गया ताकि जितने भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है वो दब जाएं, कुछ शांत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति जो उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे उनसे बिना सलाह मशवरा के ही इसे घोषित कर दिया कि आपातकाल लग गया है, और लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा इसको लेकर उभर आया। अब हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के टाइम पर क्या क्या संघर्ष किए। पहला तो सत्याग्रह किया और विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा क्या किया, आपातकालीन संघर्ष। जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान अपने समर्थनकर्ताओं के साथ संघर्ष किया और सामूहिक रूप से विरोध किया, उन्होंने विरोध भी किया। थर्ड है सामाजिक न्याय की मांग की, और फोर्थ है विचारशीलता और मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने मांग की कि ऐसा होना चाहिए, मतलब यह आपातकाल नहीं लगना चाहिए, हमारे पास यदि स्वतंत्रता रहनी चाहिए। आपातकाल के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की बहाली के लिए समर्थन जारी रखा और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में अपनी योजना बनाई। उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया और लोगों को एक सुरक्षित, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा से प्रेरित किया। तो ये था पूरा टॉपिक गाइज, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने सारे फील्ड्स कवर करवा दिए हैं, मतलब एक भी ऐसा कुछ नहीं बचा होगा जो जेपी आंदोलन से जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाए और आपको नहीं आता हो। आपातकाल भी मैंने पढ़ा दिया, उनके मुख्य घटनाएं जो कार्य थे वो भी पढ़ा दिया, वो कैसे थे उनके बारे में सब आपने पढ़ लिया। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, और हाँ मैं सूरज भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने कमेंट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 में उन्हें प्रॉब्लम है, तो
स्पेशली उनके लिए ही वीडियो है क्योंकि उन्होंने बोला। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो क्या प्रॉब्लम है तो मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, बिकॉज एक आता है ना सपोर्ट कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, आप लोग के लिए हेल्पफुल है। सो बेसिकली मेरा मोटिवेशन वही है, मुझे बस आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस करो बेल आइकन को ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस और रहे वो जल्दी आप तक पहुंच जाए मैं जो भी वीडियोस डालूं। सो गाइस आप सपोर्ट करते रहो मुझे, मेरे लिए वही मोटिवेशन रहता है कि मैं वीडियोस बनाऊं आगे। थैंक यू, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।